मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली। तो आज है 13 जनवरी और लोहड़ी है। सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह के बज रहे हैं 9। आज थोड़ा जल्दी उठ गए, 8 बजे ही नींद खुल गई। और वैसे थोड़ा लेट हो जाता है, रोज़ की क्लास भी है, मैं दिखाती हूँ। देखा आपने, रोज़ की क्लास भी चल रही है और मैं घर क्लीन कर रही हूँ पूरा। तो आप देख सकते हैं, पूरा हर चीज़ अभी क्लीन किया मैंने, झाड़ा है अभी, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा होगा। आज है लोहड़ी। लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो क्योंकि है लोहड़ी तो मुझे कुछ स्पेशल वीडियोस बनाने हैं लोहड़ी के लिए, कुछ दिल्ली के लिए बनाने हैं, कुछ अपने लिए बनाने हैं, इंस्टाग्राम के लिए बनाने हैं। तो थोड़ा जल्दी इसलिए उठे कि बहुत सारा काम है निपटाना है, वीडियोस भी बनाने हैं और रोज़ की क्लास है मेन। इधर एक दो दिन से मिस हो जा रही थी मेरी वजह से, पर सोचा नहीं अब क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी। सर लोग बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो मिस बिल्कुल भी नहीं करने देना है। और मैं किचन में ले चलती हूँ। किचन में सोचा मैंने कि निमोना बनाते हैं। बहुत लोगों को ये था कि निमोना क्या होता है, तो मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने मटर वाला इंस्टाग्राम पे लोगों का कमेंट था कि निमोना क्या होता है। तो आज कई लोगों की रिक्वेस्ट में मैं निमोना बना रही हूँ। मटर का निमोना बनता है। मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, मैं उसमें आलू भी डालती हूँ, आलू के बिना मज़ा नहीं आता। तो आलू उबालने को चढ़ा दिया। ये मेरा स्पेशल कुकर, मैं इसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपको। ये आलू उबालने वाला कुकर है, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आलू उबालती हूँ। बहुत पुराना कुकर है, आई थिंक हस्बैंड की जो 2008 में जॉब लगी थी, मीन्स 13 साल पहले उन्होंने कुकर लिया था, कोई लोकल है। तो वहाँ पर जब गई तो कुकर एकदम गंदा सा था, क्योंकि ये बनाते थे, मेड यूज़ करती थी। तो मैंने इसमें आलू उबालने के लिए मैंने इसको रख लिया। तो आलू उबालने से स्टेन्स आते हैं, तो उसको साफ़ नहीं करना पड़ता ज़्यादा। तो सिर्फ आलू उबालने, कुकर उबालने से कुकर ख़राब ही हो जाता है, दाल फेंकने लगता है। तो ये सिर्फ आलू उबालता है मेरा कुकर। और इसके बाद मैं जा रही हूँ क्लीनिंग करके नहाने। नहा के चाय बनाऊंगी रोज़ के लिए नाश्ता, उसको भूख भी लगी क्लास करते करते। और नहा के फिर मैं लोहड़ी के वीडियो शूट करूंगी और आप सबको दिखाऊंगी कि कैसे क्या हो रहा है। और हाँ, मैं आज निमोना की रेसिपी डालने वाली हूँ, तो आप सब मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं एक दो दिन के अंदर डाल दूँगी निमोना की रेसिपी, और देखिएगा ज़रूर। मटर का निमोना हमारी यूपी की बड़ी फेमस रेसिपी होती है, लोगों का कमेंट था इसलिए मैं बनाने जा रही हूँ। तो उस वीडियो को भी देखिएगा ज़रूर। तब तक के लिए मैं जाती हूँ अब घर की क्लीनिंग करके नहाने, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो मैं नहा चुकी हूँ और नहा के आकर के मैं अपनी चाय बना रही हूँ। और रोज़ की क्लास भी ओवर होने वाली है, दूसरी वाली, एक क्लास ओवर करके दूसरी क्लास कर रही है वो। 10 बजे से ज़्यादा का टाइम हो रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ मैं पीने अपनी पहली चाय, और साथ में रोज़ लेगी ब्रेड सेक के घी में। और हम चाय बनाने जा रहे हैं, तो कौन कौन है टी लवर, इसकी शुरुआत सुबह चाय के बिना नहीं होती, मेरी नहीं होती। और हाँ, एज यूजल मैंने स्किन पे लगाया है सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र। मेरे पास दो मॉइस्चराइज़र हैं अभी, एक पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र जो हमेशा यूज़ करती हूँ गर्मियों में भी। अभी मैंने विश केयर का एक मंगाया था प्रोडक्ट, विटामिन सी वाली क्रीम है, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। और स्किन देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट सी फील होती है, और उसके बिना मेरा काम नहीं चलता है। सिर्फ वही अप्लाई किया है मैंने फेस पे। जब वीडियोस बनाना होता है फिर मैं चेहरे पे कुछ और अप्लाई करती हूँ और इमिडिएटली साफ भी कर देती हूँ। मैं फाउंडेशन ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। आपने कई बार देखा भी होगा मेरे वीडियोस में। तो अब मैं जा रही हूँ उसमें डालने अदरक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, और वो काली मिर्च का पाउडर जो कि मेरी फ्रेंड खुशबू ने मुझे मनपसंद मसाले का भेजा था, वही मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। और काफ़ी अच्छा है इसका, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, एकदम रियल काली मिर्च है। और पीस के और एक चुटकी डालती हूँ जाड़े में, ये हमारे लिए गले के लिए बहुत अच्छी होती है। काली मिर्च कफ नहीं जमने देती है, गर्म होती है, तो जाड़े में इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। चाय में थोड़ा सा, तो सुबह की चाय में मैं ज़रूर डालती हूँ इसको। तो मैं जा रही हूँ डालने और पीऊँगी चाय, उसके बाद बनाना है निमोना मीन्स खाना, देन वीडियोज़ बनाने। पहले मैं वीडियो बनाऊँगी चाय पीने के बाद लोहड़ी का, देन उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू करूँ, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी कम हो रहा है और हस्बैंड आएंगे 1:30 बजे, उसके पहले मेरा बहुत काम निपट जाएगा। रोज़ की क्लास ओवर हो गई है। रोज़ कैसा लगा क्लास करके? हाँ, तो अब रोज़ करने जा रही है नाश्ता। रोज़ चिल्ला चिल्ला के उठ जाओ, ब्रश कर लो, नहीं उठती थी,
आज हम अपने बाबू पे बहुत खुश हैं। टाइम से नाश्ता हो जाएगा कि क्या लगा हुआ है, टाइम से नाश्ता कर लेगी, फिर अपना कुछ भी करे, खेले वेले, क्लास कर लिए तो, और उसके बाद लंच टाइम से फिर ट्यूशन। चलो ठीक है, उनको खिला देते हैं उनका नाश्ता। आशी दोबारा सो गई है, उठी थी एक बार, उसने दूध पिया फिर सो गई, और हम दोनों जग रहे हैं। घर क्लीन हो चुका है पूरा मेरा, और इसको नाश्ता करा के अब हम दूसरा कुछ करेंगे। मैं लोड़े के लिए हो गई हूँ रेडी। बताइएगा मेरा लुक आपको कैसा लगा। ये रहा मेरा फुल लुक लोड़ी के लिए। लग रही हूँ ना एकदम पंजाबी कुड़ी। तो अगर आपको मेरे लोड़ी के वीडियोस देखने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल, वहाँ पे मेरे वीडियोस अपलोड है लोड़ी के। तो बन गई हूँ मैं पंजाबी कुड़ी और रोज़ नाश्ता कर लिया। आशी अभी भी सो रही है। जल्दी जल्दी मैं आधे घंटे में सारे वीडियोज़ बना के फिर से अपने घर के कपड़ों में आ जाऊँगी, फिर किचन में जाऊँगी। तो ये रहा मेरा कंप्लीट लुक लोड़ी का, और आई जस्ट लव दिस लुक। पंजाबी लुक मेरा बहुत ही फेवरेट है। आपका कौन सा लुक फेवरेट है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको कैसी लग रही हूँ इस सूट में ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, लग लग बधाइयाँ। तो ये रहा मेरा लोहड़ी का लुक विद परांदा एंड दिस सलवार सूट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अब मैं जा रही हूँ चेंज करके किचन में निमोना बनाने। निमोना हमारे यूपी की मटर की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा था कमेंट बॉक्स में कि मैम निमोना क्या होता है, मेरे एक वीडियो को देख करके। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक निमोना की रेसिपी डालूँ, तो मैं वो रेसिपी अपलोड करूँगी बहुत जल्द, आज या कल, दो एक दो दिन के अंदर ही। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपसे कोई भी मेरा वीडियो मिस ना हो। अगर आप भी चाहते हो कि मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को देखिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, हमेशा बहुत ही अच्छे अच्छे यूज़फुल वीडियोस आते रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। एक ही नहीं, लाइफ के हर पहलू को, हर पहलू के वीडियोस आएंगे, ब्यूटी, हेयर, किचन, मोटिवेशनल, इसके अलावा मदरहुड के बहुत सारे वीडियोस आएंगे, एजुकेशनल वीडियोस भी आएंगे जो आपको फ़ायदा पहुँचाए। बस मेरा एक ही पर्पज़ है इस चैनल का कि आपको किसी ना किसी तरीके से मैं बेटर लाइफ दे सकूँ, कुछ सिखा सकूँ जो मुझे आता है। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, अलविदा लेती हूँ। आप सबको एक बार फिर से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल है मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी, तो खिचड़ी बनाइएगा आप लोग, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर नए जोश के साथ, नई खुशियों के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर जाते वक्त मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज़ करिए, और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।